गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ विद करीम फारूकी में। पिछले वीडियो में हमने आपको स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल्स पार्ट वन, यानी उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे स्ट्रेट लाइन के, उसको हमने पार्ट वन कहा था। और इस वीडियो में हम आपको बाकी स्ट्रेट लाइन के जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको हम पार्ट टू कहते हैं। आपको स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन और फार्मूला पहले वीडियो में मिल जाएगा। दूसरे वीडियो पार्ट वन में आपको स्ट्रेट लाइन के तीन क्वेश्चन, और ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाए। तो आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर को मिला के तीन वीडियो में कम्प्लीट मिलेगा। यहाँ हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर से तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि अभी फिलहाल दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए रेखाएं x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, y माइनस टू अपॉन टू के और z माइनस थ्री अपॉन टू तथा x माइनस वन अपॉन थ्री के, y माइनस फाइव अपॉन वन इक्वल टू z माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव परस्पर लंब है। यानी पहले क्वेश्चन में हमको k का मान ज्ञात करना है यदि ये दोनों रेखाएं आपस में लंब हो जाएं। और दूसरा क्वेश्चन लिखा है रेखाओं, एक पहली रेखा का इक्वेशन दिया है तथा ये रेखा, दो रेखाओं का समीकरण आपको दिया है, दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं और कहा जा रहा है कि इन रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में के किस मान के लिए, के का मान ज्ञात कर रहा है जिससे कि जो दोनों दी हुई रेखाएं हैं वो दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हों। तो लंबवत रेखाएं हैं, पहला जो इक्वेशन दिया है x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, y माइनस टू अपॉन टू के इक्वल टू z माइनस थ्री अपॉन टू, ये पहली रेखा का इक्वेशन था। इस पहली रेखा के इक्वेशन में हम लिखते हैं रेखा एक का डायरेक्शन रेशियो, पहली रेखा का डायरेक्शन रेशियो क्या मिलेगा हमको, माइनस थ्री टू के और फिर टू। ये पहली रेखा यहाँ जो नीचे लिखा होता है इक्वेशन में एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, तो ए बी सी जो होते हैं वो रेखा के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो पहली रेखा का हमको डायरेक्शन रेशियो मिल गया। दूसरी रेखा के लिए हम देखते हैं, दूसरी रेखा का इक्वेशन है x माइनस वन अपॉन थ्री के, y माइनस फाइव अपॉन वन और z माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव, ये दूसरी रेखा है। यहाँ ए बी सी का जो मान दिया है ये दूसरी रेखा का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, तो रेखा दो का डायरेक्शन रेशियो हमको मिल गया थ्री के वन और माइनस फाइव। पहली रेखा का डायरेक्शन रेशियो माइनस थ्री टू के और टू, इसको अगर हम नाम दें ए वन बी वन सी वन, चूंकि जो डायरेक्शन रेशियो है उसको ए बी सी से इंडिकेट करते हैं, तो पहली रेखा के लिए इसमें हमने वन सफिक्स लगा दिया ए वन बी वन सी वन, और जो दूसरी रेखा का डायरेक्शन रेशियो है इसमें भी हम सफिक्स लगा दें ए टू बी टू और सी टू, तो पहली और दूसरी रेखा के डायरेक्शन रेशियो हमको मिल गया। दोनों रेखा का डायरेक्शन रेशियो पता है, चूंकि क्वेश्चन में कहा गया कि k के किस मान के लिए ये रेखाएं परस्पर लंब होंगी, तो परस्पर लंब होने की जो कंडीशन है कि दो रेखाएं तब लंब होती हैं जब a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to zero। क्यों ऐसा हमने लिखा, क्योंकि ये दोनों आपस में लंब थी, परपेंडिकुलर का हमने सिंबल बना दिया परपेंडिकुलर, चूंकि दोनों लंब हैं तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान रखेंगे, क्या मिलेगा माइनस थ्री इंटू थ्री के प्लस टू के इंटू वन प्लस टू इंटू माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। हमको मिल गया माइनस नाइन के प्लस टू के माइनस टेन इक्वल टू जीरो, हमको यहां से मिल जाएगा माइनस सेवन के इक्वल टू टेन, तो यहां से मिल गया के इक्वल टू माइनस टेन अपॉन सेवन।
के का मान हमको मिल गया -10/7। क्वेश्चन में पूछा गया था के किस मान के लिए लंब होंगी ये दोनों रेखाएं, हमको आंसर मिल गया कि अगर के बराबर -10/7 रहेगा तो दोनों रेखाएं परस्पर लंब रहेंगी। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है रेखाओं पहली और दूसरी दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं का परिच्छेदन बिंदु ज्ञात कीजिए। पहले हम रेखाओं की इक्वेशन लिखते हैं। पहला इक्वेशन दिया है x-4/5 = y-1/2 = z/1। ये रेखा है, हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर किसी रेखा का समीकरण दिया कि कांस्टेंट आपस में बराबर हैं तो इसको हम किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। इसको हमने कांस्टेंट r के बराबर मान लिया। इससे r के बराबर अगर हम मानेंगे इसको यहाँ पे तुलना करेंगे, पहला और r आपस में बराबर है तो हमको मिलेगा x-4/5 = r, यानी कि x = 5r + 4। सिमिलरली जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो y-1/2 = r, यानी y = 2r + 1, और z बराबर मिल जाएगा हमको r। ये तीन चीज हमको मिल गई। ये जो x, y और z के मान मिले हैं, x, y और z के ये जो मान मिले हैं, ये मान इस रेखा से प्राप्त हुए हैं, ऐसे मान जिसमें एक वेरिएबल r स्थित है। यानी रेखा पे, इस रेखा पे कोई भी जो जनरल बिंदु होगा, जनरल पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम इन पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उस पॉइंट को इन पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसलिए रेखा वन पे, रेखा वन पर एक जनरल पॉइंट हमको मिल गया, सामान्य बिंदु क्या मिलेगा 5r + 4 का मान 2r + 1 का मान r। इसको हमने p नाम दे दिया। पहली रेखा पे हमको एक जनरल पॉइंट मिल गया। इसी प्रकार से दूसरी रेखा का हम समीकरण लिखेंगे। दूसरी रेखा का समीकरण लिखा हुआ है x-1/2, y-2/3, z-3/4। पहले ही रेखा की तरह से क्योंकि ये कांस्टेंट था, हमने इसको एक नए कांस्टेंट के बराबर माना। इस रेखा में भी तीन कांस्टेंट आपस में बराबर हैं, तो इसको एक नए कांस्टेंट मान लो, हमने कैपिटल आर के बराबर इसको मान लिया, तो इस रेखा पे भी एक जनरल बिंदु मिलेगा। इसको और इसको आपस में जब हम बराबर रखेंगे तो हमको मिलेगा, इसको रेखा दो कह देते हैं, ये मिलेगा x-1/2 = R, यानी कि x = 2r + 1। यहाँ हमको मिलेगा y-2/3 = R, यानी कि y = 3r + 2, और यहाँ से हमको मिलेगा z-3/4 = R, तो z = 4r + 3। हमको रेखा दो पे एक सामान्य बिंदु मिल गया जिसको हम P' नाम देते हैं। पहले वाले रेखा पे हमको एक बिंदु मिले था, उसका हमने नाम P रखा था। दूसरी रेखा पे एक बिंदु मिला, उसका नाम हमने P' रखा। और जो P' है, ये P' इसका क्या होगा निर्देशांक, यहाँ से आप देखिए 2r + 1 का मान 3r + 2 का मान 4r + 3। आइडिया क्या है, आइडिया पहली रेखा और दूसरी रेखा पे सामान्य बिंदु हैं, ये इन रेखाओं पे कहीं भी स्थित हो सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि एक पहली रेखा है, एक दूसरी रेखा है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि कटान बिंदु ज्ञात कीजिए। हमको कटान बिंदु ज्ञात करना था, तो हम क्या करेंगे, पहली रेखा पे हमने एक सामान्य बिंदु ले लिया, दूसरी रेखा पे हमने एक सामान्य बिंदु ले लिया। हम मानेंगे कि ये जो दोनों सामान्य बिंदु हैं ये इसी कटान बिंदु पे स्थित है, तो दोनों को इक्वल करेंगे, हमको r का मान मिलेगा और हम बिंदु का निर्देशांक p या p' का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। पास द वीडियो। यहाँ पे हमको दो बिंदु, पहली रेखा पे एक सामान्य बिंदु p मिल गया जिसका निर्देशांक दिया हुआ है,
फाइव आर प्लस फोर टू आर प्लस वन और आर, और दूसरी रेखा पे एक समान बिंदु टू आर प्लस वन थ्री आर प्लस टू और फोर आर प्लस थ्री मिला। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया था पहली और दूसरी रेखा का कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कोई ऐसा बिंदु जो पहली रेखा पे भी स्थित हो और दूसरी रेखा पे भी स्थित हो, तो P और P' का निर्देशांक मिल गया। अगर हम मान लें कि माना P तथा P' P पहली रेखा पे स्थित है और P' दूसरी रेखा पे स्थित है, तो अगर हम मान लें कि माना P तथा P' कटान बिंदु है, अगर ये कटान बिंदु है तो हमको मिलेगा यानी P भी पहली रेखा पे और दूसरी रेखा पे और P' भी पहली रेखा पे और दूसरी रेखा पे स्थित होंगे। इस कंडीशन में P का जो x निर्देशांक है वो P' के x निर्देशांक के बराबर, जो P का y निर्देशांक है वो P' के y निर्देशांक के बराबर, और P का जो z है वो P' के z निर्देशांक के बराबर हो जाएगा। तो हमको मिलेगा 5r plus 4 equal to 2r plus 1, यहाँ से मिल गया 5r minus 2r equal to minus 3। दूसरा जब y निर्देशांक बराबर करेंगे तो 2r plus 1 equal to 3r plus 2, पक्षांतर करेंगे इसको तो 2r minus 3r equal to 1, और जब z निर्देशांक बराबर करेंगे तो r equal to 4r plus 3। तीन इक्वेशन 1, 2, 3 लिखे हुए हैं, तीनों को सॉल्व करके स्मॉल आर और कैपिटल आर का मान ज्ञात करना। आइडिया तीन में स्मॉल आर का मान लिखा हुआ है, इस स्मॉल आर का मान 2 या 1 किसी में भी आप रख सकते हैं, तो हम 3 से स्मॉल आर का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ हमने लिख दिया समीकरण 2 तथा 3 से, यानी इन दोनों को हम हल कर रहे हैं, 2 और 3 को हल कर रहे हैं, तो हमको मिलेगा 2 into 4R plus 3 minus 3R equal to 1, यहां से मिल गया 8R plus 6 minus 3R equal to 1, 8R minus 3, यहां से हो जाएगा 5R equal to 1 minus 6, तो 5R equal to minus 5, तो R equal to minus 1, कैपिटल R का मान minus 1 आ गया। हमने कहा था कि P तथा P' दोनों ही दोनों कटान बिंदु हैं, तो चाहे कैपिटल R का मान मिल गया P' में रखेंगे तो कटान बिंदु मिल जाएगा, अगर हम कैपिटल R की मदद से स्मॉल R का भी मान ज्ञात कर लें तो स्मॉल R का मान जब P में रखेंगे तो हमको कटान बिंदु मिल जाएगा, तो कैपिटल R का मान हम P' में रख देते हैं। इसलिए कटान बिंदु P' हो जाएगा, कैपिटल R का मान माइनस वन यहाँ रखेंगे तो माइनस टू प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो माइनस थ्री प्लस टू, यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो माइनस फोर प्लस थ्री, मान हो गया माइनस वन और यहाँ भी माइनस वन, यानी दो रेखाओं के इक्वेशन दिए थे उनका कटान बिंदु हमको माइनस वन मिलेगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद फिर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 और 3, 4, 5 है। ऐसी दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना जिनके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला में हमने आपको बताया कि अगर दो रेखाएं हैं जिनके डायरेक्शन रेशियो A1, B1 और C1 और दूसरी रेखा जिसके डायरेक्शन रेशियो A2, B2, C2, तो इन रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो, तो थीटा के लिए फार्मूला है cos थीटा बराबर A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फार्मूला अगर डायरेक्शन रेशियो A1, B1, C1 और डायरेक्शन रेशियो A2, B2, C2 दिया है तो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण cos थीटा हम इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं।
आसान क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा गया जिनके डायरेक्शन रेशियो 2-3-4 और 3-4-5 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 B1 C1 की जगह पे 2-3-4 और A2 B2 C2 की जगह पे 3-4-5। सब मान आपको पता है इस फार्मूले में, आप मान रख के इनके बीच का कोण ज्ञात कर लीजिएगा एज ए होमवर्क, आपको मान रखना और कोण ज्ञात करना। क्वेश्चन तो फार्मूला जैसे, लेकिन इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, अभी तक जितना क्वेश्चन हमने लगाया उसमें कोई भी क्वेश्चन बीच का कोण ज्ञात करने पे नहीं था, तो क्वेश्चन भले ही आसान है लेकिन एक नंबर में जरूर इसको पूछा जा सकता है। आगे जानबूझकर हमने लॉन्ग क्वेश्चन लिया है, चूंकि ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो हमने जानबूझ के लॉन्ग क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन लिखा हुआ बिंदु पी से जाने वाली तथा रेखा x-y+2z=5 और 3x+y+z=6। ये जो इक्वेशन लिखे गए हैं यहाँ पे x-y+2z=5 वास्तव में ये एक समतल का इक्वेशन है, और दूसरा है 3x+y+z=6 ये भी एक समतल का ही इक्वेशन है, ये भी समतल का इक्वेशन है, ये भी समतल का इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पहले लिखा हुआ रेखा, तो दो समतल के इक्वेशन लिखे और उसके पहले लिखा हुआ रेखा। इसका मतलब यह है कि ये दोनों समतल एक दूसरे को काट रहे हैं, और जहां पे काटेंगे वहां पे हमको जो रेखा मिलेगी उस रेखा से मुराद है। तो क्वेश्चन में है बिंदु P से जाने वाली तथा इस रेखा के, वो रेखा जो इन दोनों समतलों के कटान पे होगी, ये दोनों समतल जब एक दूसरे को काटेंगे तब जो हमको रेखा मिलेगी उस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन हो गया ऐसी रेखा जिस पे एक बिंदु दिया है और उसका डायरेक्शन रेशियो वही डायरेक्शन रेशियो होगा जो इन दोनों समतलों के काटने पर प्राप्त होने वाली रेखा का डायरेक्शन रेशियो है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना दी गई रेखा का डायरेक्शन रेशियो, दी गई रेखा का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। अगर दी गई रेखा का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है तो जो दी गई रेखा है वो पहले समतल की और दूसरे समतल की कटान बिंदु है, पहले समतल और दूसरे समतल की कटान बिंदु है, यानी कि वो रेखा पहले और दूसरे समतल के अभिलंब पे लंब होगी। आइडिया क्या है कि एक समतल है और एक दूसरा समतल है, दोनों जब काटेंगे तो इस कटान बिंदु पे हमको एक रेखा मिलेगी, और ये जो रेखा है वो इसके अभिलंब पे भी लंब होगी और इसके अभिलंब पे भी लंब होगी, तो पहले समतल के हमको नॉर्मल का अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो मिलेगा। क्योंकि समतल x-y+2z=5 के अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो 1-1 और 2 ax+by+cz=d, ऐसे समतल का जो अभिलंब होता है यानी वो रेखा जो उस समतल से लंबवत जाती है उस रेखा का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं, तो ये समतल का समीकरण है, तो इसके अभिलंब का जो डायरेक्शन रेशियो है वो 1-1 और 2 हो जाएगा। और दूसरा जो दूसरा समतल है 3x+y+z=6 इसके भी अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो हमको मिलेगा, इसके अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट इसके गुणन 3, 1 और 1। तो समतल पहले वाले समतल का जो पहला समतल था इसके अभिलंब का हमको डायरेक्शन रेशियो मिल गया, दूसरे समतल के अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, जो दी गई रेखा है, अभी हम अभीष्ट रेखा की बात नहीं कर रहे हैं, दी गई रेखा की बात कर रहे हैं, जो दी गई रेखा है वो पहले समतल के अभिलंब के लंबवत होगी, चूंकि इस समतल पर स्थित है तो अभिलंब के लंबवत हो जाएगी, दूसरे समतल पर भी स्थित है तो दूसरे समतल के भी अभिलंब के लंबवत होगी। तो जो दी गई रेखा इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, पहली रेखा के अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो के लंबवत
यानी a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 बराबर जीरो और दी गई रेखा का डायरेक्शन रेशियो दूसरे समतल के अभिलंब के लंबवत, तो यहाँ से a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 ये भी आपस में जीरो होंगे। तो पहली कंडीशन हम लिखते हैं, इसलिए नंबर एक पहले समतल के लिए a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू जीरो से इस फार्मूले से हमको मिल जाएगा, यहाँ देखिए a है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो हमको मिलेगा a into 1 plus b into minus 1 plus c into 2 इक्वल टू जीरो। हमको मिल गया a minus b plus 2c equal to 0, एक समीकरण हमको मिला जो ए बी सी में लिखा हुआ है। और दूसरे समतल से यही फार्मूला a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0, इसी फार्मूले से हमको मिल जाएगा यहाँ पे 3a plus b plus c equal to 0। दो इक्वेशन आपके सामने हैं, a minus b plus 2c equal to 0 और 3a plus b plus c equal to 0, दो इक्वेशन हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b c का मान ज्ञात करना, कठिन काम, तो इसको हम वज्रपूरम की मदद से हल करेंगे। याद करते हैं वज्रपूरम क्या मिलता है, वज्रपूरम से a अपान इसका कोफिशियंट छोड़ दीजिए -1 और -2 इक्वल टू b अपान हमको मिल जाएगा a और c का कोफिशियंट और यहां से c और a का कोफिशियंट, तो माइनस भी लगा देते हैं तो हमको मिल जाएगा 2 अपान ये कोफिशियंट है पहला इक्वेशन। एक दूसरा इक्वेशन, पहले हमने a अपान लिखा तो a अपान यहाँ -1 था यहाँ 1 था तो इसका गुणा हो गया -1 और यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 6 आ जाएगा इक्वल टू माइनस बी अपान वज्रपूरम से हल कर रहे हैं तो माइनस बी अपान हमको मिलेगा a का कोफिशियंट और c का कोफिशियंट इनका गुणनफल हो जाएगा 1 और माइनस c का कोफिशियंट और a का कोफिशियंट इनका गुणनफल हो जाएगा 6 इक्वल टू c अपान हमको मिल जाएगा a और b का गुणन 1 और माइनस b और a का गुणन तो -3 तो माइनस हो गया +3 तो a बटे -7 यहाँ -b/-5 आ रहा है -b/-5 आ रहा है तो -+ हमने b/5 लिख दिया और c/4 इसलिए दी गई रेखा का जो डायरेक्शन रेशियो है वो -7, 5 और 4 ये दी गई रेखा का डायरेक्शन रेशियो हो गया। ये दी गई रेखा का डायरेक्शन रेशियो चूंकि क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे एक बार, बिंदु P से जाने वाली तथा इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण, जो दी गई रेखा थी इसके समांतर भी रेखा रहे तो दी गई रेखा का जो डायरेक्शन रेशियो है वही अभीष्ट रेखा यानी इसके समांतर रेखा का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं अभीष्ट रेखा का डायरेक्शन रेशियो -7, 5 और 4 और क्वेश्चन में दिया गया है कि जो अभीष्ट रेखा है वो बिंदु P जिसका निर्देशांक क्वेश्चन में दिया है 1, 2, 3 से जाती है। तो रेखा का समीकरण आसान हो गया, बिंदु एक x1 y1 z1 से जाने वाली रेखा जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया है, डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। हां तो क्वेश्चन ये था कि कोई
ऐसी रेखा है जिसका हमको समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु P 1, 2, 3 से होकर जाती है और दी गई रेखा के समांतर है। लेकिन जो रेखा थी दी गई वो डायरेक्ट रेखा का समीकरण ना लिख के हमको समतल का समीकरण दिया हुआ था। हमने कहा कि समतल जो समतल है उनके अभिलंब का इक्वेशन दिया, उसके जो अभिलंब है उसके डायरेक्शन रेशियो और दी गई रेखा के डायरेक्शन रेशियो आपस में लंबवत है, इसलिए a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0 होगा। इस फार्मूले से हमको a - b + 2c बराबर 0 एक समीकरण मिला और दूसरे समतल के लिए 3a + b + c बराबर 0 एक दूसरा समीकरण मिल गया। इन दोनों समीकरण को हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। जब हम वज्र गुणन से हल करेंगे थोड़ा सा यहाँ से मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा गलती हो गई। जब a और b को हम वज्र गुणन से हल करेंगे तो a/a हमको मिलेगा, a का कोफिशियंट छोड़ देना है, b के कोफिशियंट यहाँ हमको मिलेंगे और c के, तो यहाँ तो -1 हो जाएगा। लेकिन जब माइनस लगाएंगे तो c और b के कोफिशियंट के लिए हमको -2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे -2। बस इतना मिसप्रिंट था क्वेश्चन में, थोड़ा सा गलती थी। तो वज्र गुणन से हल करने पे हमको a/-1 - 2 मिलके हो जाएगा -3 - b/5, यहाँ पे -5 तो -5 और c/4। तो जो दी गई रेखा है इसका डायरेक्शन रेशियो हमको मिल गया -3, 5 और 4। अगर दी गई रेखा का डायरेक्शन रेशियो -3, 5, 4 है तो अभीष्ट रेखा चूंकि दी गई रेखा के समांतर है इसलिए अभीष्ट रेखा का भी डायरेक्शन रेशियो -3, 5 और 4 ही होगा। और अभीष्ट रेखा बिंदु P से होकर जाती है तो इस रेखा का जो समीकरण होगा हम लिख देते हैं, इसलिए अभीष्ट रेखा का समीकरण फार्मूला है x - x1 / a = y - y1 / b = z - z1 / c। इस फार्मूले से बिंदु x1 y1 z1 लिखा हुआ है तो x - 1 / -3 और y - 2 / b = 5 और यहां से z - 3 / c = 4। तो ये अभीष्ट रेखा का समीकरण हमको मिल गया। दी गई रेखा का समीकरण था उसके समांतर थी तो अभीष्ट रेखा हमने निकाल दिया। ये आपको स्ट्रेट लाइन के जितने न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट थे उन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व कर दिया। बाकी बहुत सारे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किताब में भी है क्वेश्चन और आप और जगहों से भी क्वेश्चन दूसरे प्रकाशक की बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे हिसाब से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर दिया। आपका जो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर था वो चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगले वीडियो में इस चैनल पे आपको स्टडी मैथ्स विद करीम फारूकी, इस चैनल में आपको इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन, फार्मूला और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू।